चेयरपर्सन रेनु भाटिया ने सहनाच निवासी साकरस की शिकायत पर पुलिस वाहक को सख्त आदेश देते हुए कहा कि जिन 6 लोगों को नामजद किया गया है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि किसी बेटी को सामाजिक कार्य करते हुए किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां पैदा ना हो। इसके अलावा रेनु भाटिया ने सहनाज को एक टी शर्ट के साथ साथ फूलों का गुलदस्ता व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और साथ ही निमंत्रण दिया कि सहनाज की सभी 6 बहनों को महिला आयोग की राष्ट्रीय चेयरपर्सन से भी सम्मानित करवाया जाएगा। कुल मिलाकर सहनाज ने भरे सदन में महिला आयोग की रेनु भाटिया की प्रशंसा करते हुए कहा किसी तरह महिलाओं का उत्साह वर्धन होता रहा और महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती का चाबुक चला तो वह दिन दूर नहीं जब नुहू जिले में भी दूसरे जिलों के बराबर महिलाओं की आज़ादी में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि रेनु आयोग हरियाणा चेयरपर्सन रेनु भाटिया ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा की धरती से हुई थी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में रक्षाबंधन के अवसर पर महिला थानों की शुरुआत की गई थी। कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग हरियाणा पूरी तरह से तत्पर है। उनके पास आने वाली शिकायतों का निष्पक्ष व तत्परित निपटारा किया जाएगा। आप देख रहे हैं नू से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ने जो आज सम्मान दिया है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो सम्मान मुझे मेरी एक तरह से बहादुरी के लिए दिया है। एक तरह से मेरा जो टारगेट है, मेरा जो मोटिव है, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, वो है लड़कियों की शिक्षा के लिए कि हर लड़की को इतनी शिक्षा मिले या वो इतने काबिल हो कि वो या तो खुद कमा सके, अगर कमा ना सके तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सके। सहना जी 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं और 6 बहनें हमारे घर में सबसे कम क्वालिफिकेशन है वो 10th है। मेरी एक सिस्टर है जो 10th पढ़ी है और सारे हम पढ़े लिखे हैं। देखो शादी, बच्चे की शादी जब मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, सही गलत का उसे समझ आ जाए और दूसरा वो मतलब दूसरे परिवार में जाती है तो उसके पास एक जिम्मेदारी नहीं आती, उसके पास एक तो बीवी की जिम्मेदारी, बहू की जिम्मेदारी, तो उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं जो कि वो इतनी कम उम्र में उठाने में सक्षम नहीं होती। और दूसरी बात, अगर लड़कियों की उम्र 21 हो जाएगी तो वो इतना तो पढ़ लेंगी कि कहीं उसे कुछ काम करना पड़े। देखो टाइम का कुछ नहीं पता होता, कब क्या हो जाए। मैं जो महिला आयोग ने उसका आश्वासन दिया, मैं उससे 100% मतलब खुश हूँ, संतुष्ट हूँ क्योंकि महिला आयोग एक ऐसी आयोग है जहाँ पर महिलाओं की हर तरह से सुनवाई की जाती है। असल में मोदी मिशन चल रहा है 18 से 21 उम्र का और हमारा जो हमारी लाडो पंचायत हमने की थी इसी टारगेट पर की थी, तो उससे खुश होकर दूसरा सामने वालों को कमज़ोर बनाकर और हिम्मत लाकर उसके लिए आज मैम ने सम्मानित किया है और सम्मानित करने के लिए मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैम ने उसे मुझे इतना काबिल समझा कि आज आप सबके सामने मुझे सम्मानित किया है। आयोग उन सभी बेटियों को सम्मानित करता है, उन सभी बेटियों का की प्रशंसा करता है जो अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ बेटियों को लेकर आगे बढ़ी होती हैं। आज आपके सामने ही शहनाज लड़की आई जिसके साथ कुछ लोग उसको दबाने का प्रयास करते हैं, ये उसका केस था और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जो लोग इस तरह से बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि महिला आयोग भी, केंद्र स्तर पर सरकार भी और प्रादेशिक स्तर पर सरकारें भी एक ही प्रयास करती हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ और महिला आयोग कहता है कि बेटियों को मजबूत बनाओ। तो हम लोग बेटियों को मजबूत बनाने के लिए हैं और शहनाज को पूरे परिवार सहित मैं बधाई देती हूँ, उनका वंदन करती हूँ कि वो सभी बहनें मेवात जैसे क्षेत्र में रहकर पढ़ी लिखी हैं, मेवात जैसे क्षेत्र में रहकर उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जिस तरह से वो 6 की 6 बहनें लगी हुई हैं महिला आयोग का, जहाँ पर भी उनको सहयोग ज़रूरत होगा महिला आयोग करेगा। हमने उस बेटी को सम्मानित किया है और उसे कहा है कि अपनी 6 की 6 बहनों को लेकर
आप हमारे से संपर्क करो, एक डेट फिक्स करेंगे जिसमें मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपनी नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन श्रीमती रेखा शर्मा जी द्वारा उनको सम्मानित कराऊं। असल में मैं आज यहाँ अपनी एक परेशानी लेके आई थी, क्योंकि मैं सेल्फी विद डॉटर में ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मेवात के हम पांच हैं, तो हमारा काम है महिला सशक्तिकरण का, खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए अभी हमने हमारी जो पहली पंचायत हुई थी 4 सितंबर को नलवा हिसार में, तो वहाँ पर हमारा जो पंचायत की थी हमने लाड़ो पंचायत, उसमें 18 से 21 वर्ष की शादी के लिए किया था, तो उस हिसाब से अभी भी ये शादी की उम्र 21 करने के लिए चल रहा है। लेकिन उस जो हमारी वहाँ पर पंचायत हुई थी उसकी कुछ वीडियो वगैरह भी इधर आई थी, लोगों ने देखी थी, तो उसने उस वीडियो से इतनी सारी कमेंट आई कि ये लड़कियाँ ये करेंगी, ऐसे करेंगी, यूँ करेंगी, तो उसी के बिहाफ पे लोगों ने मुझे गांव में सोचा कि ये लड़की तो हमारी लड़कियों को बाहर निकालेगी, बाहर भेजेगी पढ़ाने के लिए, और ऐसा करेगी, फिर ये लड़कियाँ ऐसा करेंगी, इनकी शादी भी नहीं होने देंगी है, तो इस तरह से नई नई कमेंट करती रही। मेरी शादी हो चुकी थी, शादी के बाद गाँव में मुझे दबाने के लोगों ने बोला कि इसका तो शादी होती बिल्कुल उसके एक महीना जस्ट महीना बाद ही बोला कि इसका तो तलाक दी है, तो तलाक दी करेक्टर की वजह से, तो तलाक दिए, ऐसा कर दिया, वो कर दिया है, तो उससे भी उनका कुछ नहीं हुआ, समाज ने नहीं मानी उनकी। फिर उन्होंने बोला कि इसने तो शादी ऐसे की है, ऐसी की है, सक्कान में इसके पापा ने सक्कान में शादी कर दी है, सक्कान को दी है, जबकि मेरी शादी मेरे माँ बाप ने की है, माँ बापन की मर्जी से हुई है, और दूसरी अपनी मेव में हुई है। तो उनका कोशिश, उनकी मोटिव यही था कि किसी तरह से इस लड़की को बाहर न जाने दिया जाए, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ, कोई जमीन का काम है या वैसा भी काम है, सबके लिए मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ, चाहे थाना हो, तहसील हो, कहीं भी हो, हर जगह मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि भाई मेरा घर पर रहता नहीं है, मैं ही रहती हूँ पापा के साथ, और मेरे पापा लगभग 73 की उम्र है, तो अनपढ़ भी है, तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पढ़ाई, जो पढ़ा लिखा इंसान है वही सोल्व कर सकता है उस तरह का।